वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा जी, क्या दे रखा है आपके पास। फाइंड सोल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी। एक्स वाई जेड एंड टी की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन क्या दे रखी है आपके पास, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इंटू क्वेश्चन 10 है जी, 2 इंटू एक्स जेड वाई ए प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 इज इक्वल टू 3 3 5 4 6। ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको। सोल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड के लिए इक्वेशन को क्या करना है जी, आपको सोल्व करना है। अब देखो, टू मल्टीप्लाई में है जिस मैट्रिक्स के, तो टू मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में तो पहले मल्टीप्लीकेशन करो जी। तो जब भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन होती है तो हर एक एलिमेंट के साथ होती है। तो टू की पहले मल्टीप्लाई एक्स के साथ करो, तो क्या आएगा यहाँ पे, 2x 2z 2y 2t प्लस। अब 3 की मल्टीप्लाई करो अंदर, 3 की 1 के साथ 3 माइनस 3 0 और 2 के साथ कितना हो जाएगा 6 बराबर। अब इस 3 की मल्टीप्लाई करो, 9 5 के साथ करोगे 15, 4 के साथ करोगे 12, 6 के साथ करोगे तो 18। अब करो जी, अब ऐड करो इनको, तो पहले में पहला ऐड हो जाएगा, यानी 2x प्लस 3 2z माइनस 3 हो जाएगा, 2y प्लस 0 करोगे तो 0 ही रहेगा, जो 2y प्लस 0 करोगे तो 2y रहेगा, 2t प्लस 6 करोगे तो 2t प्लस 6 आ जाएगा। इधर कितना आपके पास है, 9 15 12 और 18। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है कि नहीं, तो बराबर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, बराबर है। यानी कि आपके पास क्या होगा, 2x प्लस 3 किसके बराबर होगा, 9 के, पहला पहले के बराबर। यहाँ से सोल्व कर सकते हो आप, 2x बराबर 3 को इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा 9 माइनस 3 6 बचेगा, x की वैल्यू 2 डिवाइड में चला जाएगा 3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसी तरह आगे वाली क्वेश्चन और करो, 2z माइनस 3 किसके बराबर होगा, 15 के। 2z इज इक्वल टू 3 इधर ले जाओ, ऐड हो जाएगा तो 15 और 3 कितना हो गया 18। जेड की वैल्यू बताओ, 2 डिवाइड में चला जाएगा 9 आ जाएगी। जेड की वैल्यू कितनी आ गई 9। इतना समझ आ गया जी आपको, आगे और देखोगे। अब 2y इज इक्वल टू कितना है, 12 है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। आगे वाला देखो जी, ये नीचे ही करना है आपको आगे सोल्व, ठीक है जी। मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, आप आगे कंटिन्यू सोल्व कर सकते हैं। 2t प्लस 6 किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है। 2t इज इक्वल टू 6 इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा तो 12 बच जाएंगे। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। टी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 6। तो ये था आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा जी, यहाँ दिया हुआ एक्स, यहाँ लिखा हुआ है 2 3 प्लस वाई, यहाँ पे दिया हुआ मैट्रिक्स में माइनस 1 और 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल दिया हुआ है, 10 और 5 के। वैल्यू निकालनी है किसकी जी, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स की मल्टीप्लाई करो अंदर, एक्स की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो क्या होगा, 2x, 3 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा 3x, मैट्रिक्स में लिख दिया आपने। प्लस वाई की मल्टीप्लाई करो माइनस 1 के साथ तो माइनस का वाई, प्लस 1 के साथ करोगे तो प्लस का वाई, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 और 5। अब देखो जी, ऐड करोगे तो 2x प्लस माइनस वाई करोगे तो 2x माइनस वाई हो जाएगा, और 3x प्लस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 10 और 5। अब दो मैट्रिक्स इक्वल है जी, तो इक्वल कब होती है, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। यानी 2x माइनस वाई किसके इक्वल होना चाहिए, 10 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है जी। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन बन गया आपकी। दूसरी इक्वेशन बताओ क्या बनेगी, 3x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, दोनों को ऐड कर दो जी। 2x और 3x कितने हो जाएंगे, 5x, माइनस का वाई प्लस का वाई ऐड करें, कट गया आपका, 10 और 5 कितने हो जाएंगे, 15। यानी x की वैल्यू 5 डिवाइड में चला जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 3। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है, x की वैल्यू 3 पुट करो तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, माइनस वाई 10, 6 को इधर ले जाओ किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस वाई बराबर 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4। माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो वाई की माइनस के साथ करोगे प्लस का 1, इस साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4, तो वाई की वैल्यू आ गई माइनस का 4 है और आपकी एक्स की वैल्यू आ गई है जी 3। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा जी, ठीक है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। गिवन दे रखा जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा जी, 3xyzw सेम इसी प्रकार का, अगर आप ट्राई भी करोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। इधर देखो, x 6 माइनस 1 2w
प्लस 4 x प्लस वाई जेड प्लस डब्लू और 3। ये दे रखा जी, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब देखो जी आगे, पहले 3 मल्टीप्लाई में हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो। एक्स के साथ करोगे तो 3 x, वाई के साथ करोगे तो 3 y, जेड के साथ करोगे 3 z, डब्ल्यू के साथ करोगे 3 w। ये देखो इधर ऐड करो जी, पहले ऐड करोगे तो एक्स प्लस 4, अगला करोगे तो एक्स प्लस वाई और प्लस कितना हो जाएगा 6। अगला करो जी जेड प्लस डब्ल्यू माइनस 1, अगला करो जी 2 w प्लस 3। यहाँ तक कोई डाउट आपको? ठीक है। अब देखो, अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या आ जाएंगे, बराबर। यानी 3 x किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस 4 है ना, एक्स प्लस 4 के इक्वल हो जाएगा। एक्स को इधर लेके आओ, 3 x माइनस x करोगे तो 2 x बचेगा, इज इक्वल टू 4 x। की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी, 2। अब अगला और इक्वल रखो, इसको इसको इक्वल रखो, 3 y किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस वाई प्लस 6। अब 3 y इधर, y को इधर ले आओ जी, तो 3 y माइनस y करोगे कितना बचेगा, 2 y। एक्स की वैल्यू कितनी आपके पास, 2, तो एक्स की जगह 2 रखो, 2 और 6 कितना हो गया, 8। वाई की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 4। वाई की वैल्यू कितनी आ गई थी, 4। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू और आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू। ये और ये इक्वेट कर लो पहले, 3 w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 w प्लस 3। 3 w इधर लेके आओगे, 2 w आपका, तो कितना बचेगा जी, w इज इक्वल, यहाँ बताओ कितना बच गया, 3। ये आगे डब्ल्यू की वैल्यू। अब अगली और ये और इक्वेट कर दो, ये और ये इक्वेट करोगे तो क्या होगा, जेड प्लस डब्ल्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 3 z हो जाएगा। जेड को इधर ले जाओ, 3 z माइनस जेड करोगे तो 2 z, डब्ल्यू की जगह पुट करोगे 3 माइनस 1, तो कितना बचेगा, 2। जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड में चला जाएगा, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। एक्स की वैल्यू हो गई 2, वाई की वैल्यू हो गई 4, जेड डब्ल्यू की वैल्यू हो गई 3 और जेड की वैल्यू होगी है जी आपके पास 1। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा जी। ठीक है, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट, आपके 12th तक के सिंपल क्वेश्चन खत्म हो गए जी, 13 से आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन वापस स्टार्ट होंगे। ठीक है जी, अगर आप ट्राई भी करना चाहो तो आप कर सकते हो जी। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और आप शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, और कमेंट करके बताएं जी आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।